डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री पर हम हैं। बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की, टाइप ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कैटलिस्ट की, मैकेनिज्म देखेंगे, एंजाइम्स के बारे में भी बात करेंगे। बिफोर दैट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। सरफेस केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे कैटलिस्ट की, और कैटलिस्ट के लिए हमने कहा दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट दे देमसेल्व्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। हमने बात की थी प्रमोटर की, हमने बात की पॉइजन की। पॉइजन जो रिएक्शन की रेट को घटा देते हैं, और प्रमोटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। प्रमोटर के लिए हमने एग्जांपल दिया था कि हैबर प्रोसेस में मॉलिब्डेनम आयरन जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। यस, अब हमने मैकेनिज्म की भी बात की थी, और हमने कहा था सपोज ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सपोज निकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, निकल इज हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, पैलेडियम की भी बात कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन इन माइक्रोसेकेंड्स, ए एंड बी विल अटैच विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ए और बी अटैच हो जाएंगे, एक साथ अटैच हो जाएंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकली सोच के देखिए, अगर एक साथ अटैच हो गए तो नेचुरली रिएक्शन एक साथ ही हो रही होगी। व्हेन दे विल अटैच दे विल फॉर्म द बॉन्ड अगेन, ए और बी के बीच में बॉन्ड्स बन जाएंगे, एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट विल फॉर्म, ए बी विल फॉर्म एज अ प्रोडक्ट, एक साथ प्रोडक्ट बन जाएगा, एक साथ अटैचमेंट, एक साथ रिएक्शन, और एक साथ डिसॉर्प्शन, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, और बच जाएगा केवल निकल या और कोई कैटलिस्ट। इन दिस वे वी कैन से कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर टाइप ऑफ कैटलिस्ट की बात करें, टाइप्स की बात करें, देन फर्स्ट टाइप वी कैन टेक होमोजीनस कैटलिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, होमोजीनस का मतलब है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट एंड सी फॉर कैटलिस्ट, इन सबकी फिजिकल स्टेट एक जैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, देन SO3 विल फॉर्म। हियर यू विल सी दोनों रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, दोनों प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है, और कैटलिस्ट जहां यहां हमने जो लिया NO वो भी गैसियस स्टेट में है। तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, इसलिए हमने यहां NO नाइट्रिक ऑक्साइड को होमोजीनस कैटलिस्ट कहा। हेमोजीनस की और बात करें तो हम अल्कोहल की रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, अल्कोहल
एल्कोहल की रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था एस्टर विल फॉर्म, जिनमें से फ्रूटी स्मेल आती है, एस्टर विल फॉर्म। हियर यू विल ऑब्जर्व एल्कोहल कैटलिस्ट, एल्कोहल लिक्विड है, एसिड भी लिक्विड है। प्रोडक्ट साइड पे देखें, वाटर लिक्विड है, एस्टर भी लिक्विड है, और यहां जो हम कैटलिस्ट लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट इज ऑल्सो लिक्विड, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर लिक्विड, प्रोडक्ट्स आर लिक्विड और कैटलिस्ट इज ऑल्सो लिक्विड, तो यहां H2SO4 विल कॉल होमोजीनस कैटलिस्ट। तो होमोजीनस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है। दूसरा टाइप देखें कैटलिस्ट का, दैट इज हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। यहां आप देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज डिफरेंट देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट होगी। जैसे हमने पहले भी बात की, अगर हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, N2 यहां गैस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस, एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल टेक्स प्लेस विच इज ऑल्सो गैस, एंड हियर कैटलिस्ट वी आर टेकिंग आयरन विच इज अ सॉलिड, तो यहां Fe को हम हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, अभी अभी हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात की, इसी रिएक्शन को हम हेट्रोजीनस कैटलिस्ट से भी कर सकते हैं। हियर वी कैन टेक वैनेडियम पेंटाऑक्साइड विच इज सॉलिड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में भी हम इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, क्योंकि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड है, सो वी विल कॉल इट हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। हियर यू विल सी होमोजीनस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जैसी है, जबकि हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में यहां पर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो ये टाइप ऑफ कैटलिस्ट हुए। अगर हम कैटलिस्ट के नेचर के बारे में बात करें, अगर हम नेचर ऑफ कैटलिस्ट देखें, नेचर ऑफ कैटलिस्ट की बात करें, सम ऑफ द कैटलिस्ट आर शोइंग एक्टिविटी, सम ऑफ द कैटलिस्ट आर शोइंग एक्टिविटी मीन्स टू से दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन एंड इंक्रीजिंग द रेट। जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम वॉटर इज फॉर्म, हियर प्लेटिनम इज एक्टिंग एज और शोइंग इट्स एक्टिविटी, इट्स इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने और भी रिएक्शन पढ़ी, जैसे इथीन को का हाइड्रोजिनेशन करें पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स कर रहे हैं, तो यहां भी रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, एज ए रिजल्ट एल्केन विल फॉर्म। तो कैटलिस्ट एक्टिविटी तो शो करेगा ही करेगा, एटलीस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सम कैटलिस्ट आर शोइंग द सेलेक्टिविटी ऑल्सो, मतलब एक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे,
रिएक्शन की रेट को तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, अलोंग विद दैट दे विल प्रोड्यूस द सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जैसे क्लास 11th हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन रही आपके साथ, अगर आपको याद हो, हम ब्यूटाइन ले लें, ब्यूटाइन को अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट इज पैलेडियम BaSO4, यू मस्ट रिमेंबर, नंबर ऑफ टाइम्स कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, एज ए रिजल्ट द सिस एल्कीन विल फॉर्म, सिस टू ब्यूटीन विल फॉर्म, सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सोडियम ले लें हाइड्रोजन के साथ, लिक्विड अमोनिया ले लें, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, और इसका हाइड्रोजनेशन करें, देन सी केयरफुली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट विल फॉर्म। दोनों CH3 अपोजिट है, दोनों H भी अपोजिट है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस टू ब्यूटीन। यानी कि ये भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, ये भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, लेकिन प्रोडक्ट सेलेक्टिव बन रहे हैं। तो यहां पर लिंडलार कैटलिस्ट एंड सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया आर शोइंग द सेलेक्टिव नेचर ऑफ द कैटलिस्ट। एक्टिव तो ही है, रिएक्शन की रेट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अलोंग विद दैट प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो फॉर्म सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव प्रोडक्ट ही बनेंगे। रिएक्टेंट आर सेम, सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, पहली रिएक्शन में भी CO और H2 लिया हमने, दूसरे में भी लिया और तीसरे में भी लिया, नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्टेंट आर सेम, डिफरेंट कैटलिस्ट वी आर यूजिंग। हियर इन द फर्स्ट रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड विल फॉर्म, रिएक्शन की रेट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा कॉपर, प्रोडक्ट बड़ा सेलेक्टिव दे रहा है, केवल फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर मीथेनॉल विल फॉर्म, व्हाइल हियर मीथेन इज फॉर्म अलोंग विद वाटर। तो आप देख रहे होंगे हमने कैटलिस्ट चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, रिएक्शन की रेट तो बढ़ी ही बढ़ी, अलोंग विद दैट प्रोडक्ट्स आर आल्सो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव प्रोडक्ट ही बन रहे हैं। कॉपर के साथ फॉर्मल्डिहाइड, कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 के साथ मीथेनॉल और सोडियम के साथ मीथेन। सम कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक ऑल्सो, स्पेसिफिसिटी मतलब टाइप ऑफ द रिएक्शन सेम रहेगा लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट लेने पड़ेंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है SO3 बनाता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, ये वाली रिएक्शन में भी हमने पढ़ा हेटरोजीनस कैटलिस्ट की फॉर्म में। यहां पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा, अदरवाइज हेट्रोजीनस कैटलिस्ट हम कोई दूसरा लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, इसी प्रोसेस में अगर मैं अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना चाहूं V2O5 के साथ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। आप देखेंगे कर ऑक्सीडेशन ही रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड का भी हमने ऑक्सीडेशन ही किया,
लेकिन ये रिएक्शन तो V2O5 ने किया कर दी, लेकिन अमोनिया का ऑक्सीडेशन करने में V2O5 असमर्थ रहा, कर नहीं पाया। तो हमने बात की एक्टिविटी की, सेलेक्टिविटी की और स्पेसिफिसिटी की। विद द लिंडलार कैटलिस्ट वी हैव टू ऐड क्यूनोलिन। अगर हम क्यूनोलिन डालना भूल गए तो यहां जो रिडक्शन के लिए हमने हाइड्रोजन ली है वो सिस प्रोडक्ट का वापस रिडक्शन कर देगी। अगर हमने क्यूनोलिन से रिएक्शन को यहां नहीं रोका तो सिस प्रोडक्ट का वापस रिडक्शन हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल सी द ब्यूटेन विल फॉर्म। हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहां हम क्यूनोलिन डालकर रिएक्शन को रोक देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, आपने पी ब्लॉक चैप्टर था क्लास 11th में, उसमें इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की बात करें, सो दे आर मेडअप ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट यूनिट्स। दे आर मेडअप ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट यूनिट्स। अगर एक सिंपल जनरल फार्मूले की बात करें तो एम इज मेटल, AlO2 होल X, SiO2 होल Y एंड ZH2। दिस मे बी द जनरल फार्मूला ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। माइंड इट, जियोलाइट्स आर द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट आर द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये वाटर के प्योरिफिकेशन में भी काम आते हैं जियोलाइट्स। अगर नाम आप देखें शेप सेलेक्टिव है तो इनमें पोर्स होते हैं और पोर साइज बड़ा स्पेसिफिक है, 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ जियोलाइट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनमें की पोर साइज फिक्स होता है, मेबी ऑफ 300 पिकोमीटर, मेबी ऑफ 500 पिकोमीटर, मेबी ऑफ 700 पिकोमीटर। तो हमने सारे जियोलाइट्स के लिए रेंज लिखी 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर। तो इसमें स्पेसिफिक साइज के ही रिएक्टेंट अंदर जाएंगे और स्पेसिफिक साइज के ही प्रोडक्ट बाहर आएंगे। इनका स्ट्रक्चर हनी बी कॉम की तरह होता है। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो उसमें बाहर होल्स होते हैं और अंदर ट्यूब्स बनी रहती है जिनमें हनी भरा होता है, लाइक दिस। हनी बी कॉम के तरह इनका स्ट्रक्चर है। ये जो पोर साइज है ये 260 टू 740 पिकोमीटर का होता है। यहां हम कभी भी शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट को अगर यूज करें तो यूज करने से पहले उसको हीट कर लिया जाता है ताकि अगर कुछ मॉइस्चर उसमें रह गई है तो वो बाहर निकल जाए। अगर इसका हम यूज देखें तो अगर इथेनॉल को ZSM5 में से निकाला जाए तो गैसोलीन बन जाती है, यानी कि पेट्रोल बन जाता है। गैसोलीन बन जाती है, इसका मतलब क्या कहेंगे, पेट्रोल विल फॉर्म। ZSM का मतलब क्या है, ZSM मतलब जियोलाइट सीम ऑफ मॉलिक्युलैरिटी 5, यानी कि 500 पिकोमीटर की रेंज के
उसमें पोर होंगे, होल्स होंगे, तो इथेनॉल जब उनमें अंदर जाएगा, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, कैटालिसिस विल टेक्स प्लेस एंड गैसोलीन विल फॉर्म। तो हमने बात की एल्यूमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं, ये उनका जनरल फॉर्मूला है। जियोलाइट्स आर द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, पोर साइज 260 टू 740 पिकोमीटर है और स्ट्रक्चर है हनी बी कॉम लाइक। यूज करने से पहले हीट कर लेना चाहिए ताकि मॉइस्चर बाहर निकल जाए। एग्जाम्पल ले सकते हैं, रिएक्शन बता सकते हैं। इथेनॉल को जब ZSM5 में से निकालते हैं देन गैसोलीन इज फॉर्म, पेट्रोल इज फॉर्म। अरेबियन कंट्रीज में पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है, तो यहां गैसोलीन मेंशन किया गया। और ZSM का मतलब जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलरिटी 5। जैसे हमने अभी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, ऐसे ही आपने एंजाइम्स के बारे में जरूर सुना होगा। इन बायोमॉलिक्यूल चैप्टर ऑफ क्लास 12 वी रेड आउट नंबर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? दे आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनके नेम में सफिक्स एज आता है, हमेशा उनके नाम में एज आता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली एफिशिएंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पेसिफिक मतलब सुक्रोज को ब्रेक करने का काम केवल इन्वर्टेज करता है, केवल इन्वर्टेज कर सकता है, संसार का कोई दूसरा एंजाइम इस वर्क को नहीं करेगा। आपने मिल्क पिया, आपने लैक्टोज पिया, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम केवल लैक्टेज करेगा। आपने माल्ट खाया, माल्टोज खाया, माल्टेज एंजाइम ही उसको ब्रेकअप कर सकता है। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब पर सेकेंड लाखों मॉलिक्यूल सुक्रोज के वो ब्रेक कर सकता है, इन्वर्टेज एंजाइम। जैसे ग्लूकोज पीते ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, इसका मतलब ग्लूकोज का डाइजेशन पर सेकेंड लाखों मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो रहे हैं और एनर्जी लिबरेट हो रही है एंड वी आर गेटिंग द एनर्जी। दे वर्क एट पर्टिकुलर पीएच, पर्टिकुलर टेम्परेचर। बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है बॉडी में, द एंजाइम्स विल नॉट परफेक्टली वर्क। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, दे विल नॉट परफेक्टली वर्क। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं आपको एंजाइम्स का। जैसे मिल्क को ले लीजिए, हम दही जमाते हैं, तो गर्मियों में दही, दूध से दही जमाने की कंडीशन डिफरेंट होती है, मम्मी से पूछिएगा, और सर्दियों में डिफरेंट होती है। सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना, यस, और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। गर्मियों में दूध को थोड़ा ठंडा करके जमाते हैं, यस रजत, और सर्दियों में दूध को थोड़ा गर्म करके जमाते हैं। कभी इडली सांभर बनाइया, शाम को हमने दाल चावल का घोल पीस के बनाया रखा, तो देखेंगे गर्मियों में तो फर्मेंटेशन बड़ा आराम से हो जाता है, सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज टेम्परेचर इज लो। तो एंजाइम्स विल वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। हमको कभी फीवर आ जाता है, भगवान ना करे इस समय आए, कभी फीवर आ जाता है, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता खाने का। द रीजन बिहाइंड इट, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंजाइम्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसलिए डॉक्टर कहता है हल्का खाना खाइए,
दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, सूप पीजिए, दाल का पानी पीजिए, लाइट चीजें खाइए। तो एंजाइम्स को वर्क करने के लिए ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, करीब 25 to 30 degrees Celsius। एफिशिएंट होते हैं और हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द एंजाइम वर्क। एंजाइम विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। जैसे हमने कहा लैक्टेज ही लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेकअप करेगा, क्यों भाई? तो हमने इसको एक मेथड बनाया समझाने का कि जैसे पर्टिकुलर की ही किसी पर्टिकुलर लॉक को खोल सकती है, एब्सोल्युटली इन द सेम वे पर्टिकुलर एंजाइम ही पर्टिकुलर रिएक्टेंट को, सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको यहां एंजाइम्स के केस में, हमने डिफरेंट नाम रख रखे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। बायोलॉजिकली हम डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, ऑर्गेनिक में हम अलग तरीके से बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहां बायोलॉजिकली एंजाइम्स को सबस्ट्रेट बोला जाता है। सपोज करें हमने कुछ खाया, ये एंजाइम है और ये है सबस्ट्रेट जो हमने खाया। जैसे ही हम किसी चीज को खाएंगे व्हाट विल हैपन, उसी साइज का जिसमें होल जैसा हो, सबस्ट्रेट के बराबर का होल हो, वो एंजाइम आगे आएगा और उसमें सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा। ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर बनेगा प्रोडक्ट। ये बन गया प्रोडक्ट, कहलाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देन आफ्टर एंजाइम अपनी जगह रह जाएगा, दूसरा काम करने लगेगा और प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगी। जैसा हम कैटलिस्ट की डेफिनेशन में कहते हैं, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट दे देमसेल्फ डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो आप यहां देखेंगे एंजाइम वैसा का वैसा बच गया, एंजाइम का कुछ नहीं बिगड़ा, एंजाइम वही है और प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो सबस्ट्रेट एंजाइम में आके फिट हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ब्रेकअप हुआ, रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट ब्रेकअप हुआ, प्रोडक्ट बना, एंजाइम प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बाहर निकल गया और एंजाइम अपनी जगह रह गया। इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। How we can write it? Enzyme plus substrate, enzyme substrate complex is formed. Enzyme substrate converted to enzyme product and enzyme product is converting into enzyme plus product. This is diagrammatic representation. This is in the reaction form. In this way, we can understand the mechanism of the enzymes, how they work. My dear students, हमने catalyst और enzyme के बारे में बात की। हम फिर मिलेंगे, collider solution के बारे में बात करेंगे। Till that, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।